देख मेरा दिल डोला वो कम कम भस्मा को गिफ्ट ये अनोखा दिया है। सबसे अनोखा ऐसा वरदान आज तक किसी को नहीं मिला। कैसा वरदान कि जिसके माथे पर हाथ रख दोगे वो जलकर भस्म हो जाएंगे। यानी 33 लाख का पावर, पूरे पावर हाउस का पावर भस्मा के हाथे में भोलेनाथ देती है ना, समझ सकते हैं। अरे भस्मा को गिफ्ट ये अनोखा दिया है ना, अरे भस्मा को गिफ्ट ये अनोखा दिया है। लेकिन भस्मा ऐसा निकला कि वरदान पाके बाबा को धोखा दिया, कर रही है गाड़ी होल्टे पर रहे, ध्यान देंगे। कवि ने आज तक जितने भी गीत बने हैं, राइटर ने जितने भी गीत को लिखा है, एक भी गीत बिना अर्थ का नहीं है। कहीं ना कहीं जाकर के सटीक होना है। जब भगवान भोलेनाथ ने भस्मा को वरदान दे दिया तो भस्मा ने वह वरदान को भोलेनाथ पर ही लागू कर दिया। अब भस्मा के डर से भोलेनाथ भागने लगे। जब भागने लगे तो भोलेनाथ के रक्षा के हेतु, भोलेनाथ जी के रक्षा हेतु भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आए। मोहिनी रूप धारण करके आए, इतनी सुंदर स्त्री का भेष बनाए और भस्मा को लुभाने लगे। जब भस्मा ने मोहिनी को देखा ना, भगवान मोहिनी रूप में कहते हैं कि ये भस्मा, अरे क्या तुम उस बूढ़े बौरा के पीछे पड़े हो, अरे देखो ना, मैं समझ गई कि तुम्हारे सामने भोलेनाथ अब टिकने वाले नहीं है, इसलिए चलो मेरे साथ।
भस्मा मोहिनी को देख करके कहने लगा कि मोहिनी अरे अरे फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है भस्मा भस्मा को भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप में फंसा रहे हैं और भस्मा भी भगवान के मोहिनी जाल में फंस गया और लगा नृत्य करने अरे फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के भस्मा भी हैरान है रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के भस्मा भी हैरान है भस्मा कह रहा है कि रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के ये भस्मा भी हैरान है लेकिन भस्मा समझ नहीं रहा है कि जिस रूप को देखकर मैं हैरान हो रहा हूं यही रूप मेरे जीवन का काल है यही रूप मेरे मौत का कारण बनेगा। भस्मा मगन है उसे उसे पता क्या है कि यह रूप इतनी तेज तलवार की धार बन जाएगी कि मेरा सर कलम कर दे है ना मेरा सर उतार देगा। आह अरे रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के